जन्मोत्सव कब है। जानिए छिपे हुए शत्रुओं और दुखों का नाश करती हैं माँ पीताम्बरा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 16 मई 2024 को बंगला मुखी जयंती मनाई जाएगी। बैसाख शुक्ल अष्टमी को देवी बंगला मुखी प्रकट हुई थी। इस तिथि को माँ बंगला मुखी जयंती के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माता बंगला मुखी इसी तिथि की रात्रि को जन्म लेकर भगवान विष्णु को वरदान दिया था, साथ ही ब्रह्मा जी के द्वारा रचित संसार के विनाश को रोका था। माँ बंगला मुखी को पीले रंग से विशेष लगाव होता है, जिसके कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ की पूजा में पीले रंग की सामग्री होने से पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। माँ बंगला मुखी की उपासना करने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रुओं का नाश होता है। देवी बंगला मुखी 10 महाविद्या में 8 महाविद्या में महारथ हासिल है। माता बंगला मुखी की पूजा करने से आपके शत्रुओं की पराजय होती है और वाद विवाद में विजय प्राप्त होता है। माता की विशेष कृपा पाने के लिए घर के उत्तर दिशा में पीला कपड़ा पहनकर माता बंगला मुखी की फोटो रखकर करके उनके विधिवत पूजन करें। भोग के रूप में पीले रंग का फूल और बेसन का लड्डू जरूर चढ़ाएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।